वेलकम स्टूडेंट। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर भाई 5 तक कर लिए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है भाई हमारे पास। ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ, मास कितना है भाई स्टोन का, एक तो ये वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट हमें बता रखा है इसमें कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी दे रखी v, और डिस्टेंस दे रखी है एस। फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। स्टेटमेंट पढ़ता हूं देखिए एक बार कि स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 m/s। स्टोन ऑफ 1 kg मास कितना दे रखा है 1 kg, थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 m/s, मतलब इनिशियली हमने उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड की है, कितनी है वो 20 m/s की। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 m। कम टू रेस्ट मतलब फाइनली जाके क्या हो जाती है वैल्यू भाई, 0। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, 50 m। 50 m डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो जाके रुक जाता है। तो फोर्स की वैल्यू क्या है कि हमने एक पत्थर लिया है उसको फेंक दिया है, एक कोई भी लेक है वो फ्रिज हो रखी, मतलब पानी जमा हुआ है उसके अंदर, वहाँ पे हमने फेंक दिया है। तो सीधी सी बात है आइस पे है, वो स्लाइड करता हुआ जाएगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन उसको रोक लेगा। किस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना अप्लाई होगा उसके ऊपर, उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो लेकिन फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, किसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास भाई, एक्सलेशन की वैल्यू नहीं है, तो ये फाइंड आउट करनी है सबसे पहले हमें। तो यदि हम इक्वेशन देखें तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। v 0, u 20 का स्क्वायर, 2as की वैल्यू कितनी हमारे पास 50, माइनस 400 इज इक्वल टू 100a, a इज इक्वल टू माइनस 400 अपॉन 100, माइनस 4 m/s². पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि लगातार डिक्रीज होती जा रही है वेलोसिटी की, जो वैल्यू हमारे पास वो कम होती हुई, पहले 20 के साथ हमने छोड़ा था, बाद में क्या हुई 0 हुई, टाइम के साथ डिक्रीज हुई, इसलिए नेगेटिव साइन हमने यूज किया है। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 4 m/s। अब फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो मास कितना है 1 × −4, तो −4 N क्या है हमारे पास, किसकी वैल्यू है भाई, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बीच में सोल्व करने से पहले, और हो भी जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा खास दिक्कत है नहीं कि जो आपसे ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आसान है बिल्कुल, एक बार यदि आपका इंटरेस्ट हो गया, न्यूमेरिकल से आसान नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ए 8000 kg इंजन पुल ए ट्रेन ऑफ 5 wagon ईच ऑफ 200 kg अलोंग ए हॉरिजेंटल ट्रैक इफ द इंजन एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 N एंड ट्रैक ऑफर ए फ्रिक्शन
फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन देन कैलकुलेट। एक रेल गाड़ी है भाई, उसके पीछे पांच डब्बे जुड़े हुए हैं और उनको खींच के आगे की साइड लेके जा रही, जो इंजन है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 40 न्यूटन का। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें भाई, कि कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो ट्रैक जो रेल की पटरी है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करती है जो उसको रोकने की कोशिश करता है। हमें इसके अंदर ये बताना है कि कितना तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है और नेट फोर्स कितना है। तो पहले जो वैल्यू दे रखी है वो देख लेते हम, मास ऑफ, यदि हम बात करें इंजन, कितना है भाई वो 8000 kg दे रखा है। मास ऑफ ईच वैगन है भाई, एक का है मास, टोटल मास ऑफ वैगन कितना हो जाएगा भाई, 5 × कितना हो गए, इतने kg मास हो गया हमारे पास। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया 5000 न्यूटन, ठीक है। तो अब इसने पहले पूछा है भाई द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू यदि हम निकाले तो भाई, अच्छा नहीं लिखा वो हमने, एक सेकंड भाई, एक चीज हमने मिस कर दी, क्या है वो क्वेश्चन नंबर है ये 7, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, फोर्टी थाउजेंड न्यूटन, ये है भाई। तो नेट फोर्स की वैल्यू यदि, इतना तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसको पीछे की साइड खींचने की कोशिश कर रहा है, ये है वो इंजन जो अप्लाई कर रहा है। तो नेट फोर्स की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई, माइनस 35,000 न्यूटन है वो नेट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है। कैसे आया भाई, सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने देखा है कि 40,000 तो उसके आगे की साइड अप्लाई हो रहा है और 5,000 है वो पीछे की साइड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब सिंपल है, हम निकाल सकते हैं। अब इसने पूछा है सेकंड हमसे द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, किसका भाई, ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। कैसे होगा वो एक्सेलरेशन यदि हम इसमें बात करें, बिल्कुल सिंपल है, फोर्स की वैल्यू है हमारे पास नेट फोर्स, उसका मास फाइंड आउट कर लो। इतना तो भाई इंजन का है और ये डब्बों का जो उसके पीछे लगे हुए, सभी का ऐड कर लो, टोटल मास निकाल लो भाई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, ए का निकालेंगे तो एफ बाई एम, एफ की वैल्यू कितनी है 35,000, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं हम, टोटल मास कितना हो गया 8000 ये और 10 ये, कितना हो गया 18,000 हमारे पास वैल्यू आई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है भाई, कि जो एक्सेलरेशन यदि हम फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू। अब यदि हम निकाले किसकी वैल्यू, इसको यदि आगे तक सोल्व कर सकते या फिर यहीं पे भी छोड़ सकते, लेकिन आगे हमें चाहिए इसकी वैल्यू। यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी भाई
ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन है, जो सेकंड पॉइंट इसने पूछा था कि नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, वो वैल्यू हमारे पास आ गई। लास्ट एक तीसरा पॉइंट और पूछा है इसने भाई, वो क्या है कि फोर्स ऑन ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन सेकंड, कि जो पहले वाला जो ऐसे चल रहे हैं भाई, एक दो तीन चार पाँच, आगे एक इंजन, ठीक है, ऐसे चली हुई है रेलगाड़ी, ये तो इंजन हो गया हमारा। अब ये जो है इसको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर, इसको खींचने है भाई, अकेले इसके पे तो होगा नहीं, ये पीछे वाले सारे साथ आएंगे, मतलब यदि हम इसको हटा दें तो इनका मास कितना बचता है, 8000। एक्सेलरेशन आपको पता ही है ये होगी, तो फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। तो यदि आपको वैल्यू दे रखी हो, किसकी वैल्यू दे रखी हो, वैल्यू हमें दे रखी है एक्सेलरेशन की, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मास हमें पता लग गया भाई, चार डिब्बे उसके पीछे बचेंगे, चारों का मास कितना है 8000, तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन सेकंड, मास ऑफ फोर वैगन्स कितना हो जाएगा भाई, 8000 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना है उनका, 1.944। फोर्स निकालेंगे, एफ की वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई, 8000 इंटू 1.944, या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों इसको करेंगे, नहीं भाई, इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आएगी भाई हमारे पास, इसको करेंगे तो 2.55 ये वैल्यू आ जाएगी, किसके आएगी भैया, वो फोर्स जो अप्लाई होगा किसके कारण, वो फोर्स की वैल्यू आएगी जो फर्स्ट वाला जो है हमारे पास डब्बा है वो पीछे वाले को खींचने में लगाएगा, ठीक है, वो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो इसको, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिए, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल ओ हैज ए मास ऑफ 8, मास ऑफ मास लिख सकते हैं या फिर हम खाल एम की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 500 kg। An automobile vehicle has mass of 1500 kg. What must be the force between vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration? Acceleration दे रखा है, A negative में है, तो negative acceleration कितना दे रखा है, और -1.7 m/s², ठीक है। हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है इसके अंदर, सिंपल है भाई, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू है हमारे पास 1500, एक्सेलरेशन -1.7, इसको हम क्या लिखते हैं, अपॉन 10, ये दोनों कैंसिल, इसको कैलकुलेट करें
ये हमारे पास वैल्यू आ गई भाई, किसकी वैल्यू आई है कि जितना वो फोर्स एग्जर्ट करेगा ये भी माइनस में आएगा भाई, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन। अब उसको रोकने में ये एक तरीके का हम ये बोले कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रोकना है तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही अप्लाई होगा, कर सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट है भाई, नाइन्थ जो क्वेश्चन है देखिए क्या है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v? मास m किलोग्राम, वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। तो भाई जो मोमेंटम है p, किसके इक्वल होगा? ये मास इंटू वेलोसिटी, यही फॉर्मूला हमें बताना, यूनिट पूछे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। बिल्कुल आसान था, मोमेंटम का फॉर्मूला हम पढ़ते ही आ रहे, और इसमें तो ऑप्शन दे रखे थे, उस ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन यही है, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते। थैंक यू।